फैमिली कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे और पॉजिटिव के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ही मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जैसे मेकअप करते हैं वैसे ही शेयर कर रही हूँ। मैं जैसे जैसे सीखी थी वैसे वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो सीखने में, क्योंकि एक दिन में कभी भी पॉसिबल नहीं है मेकअप सीख जाना, पूरी तरह पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ, टेक्निक अगर आप प्रॉपरली सीख जाते हो तो फिर आपको आपके मेकअप सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप सीख भी पाओगे। टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में, चाहे आप कोई भी आई मेकअप कर रहे हो, बेस मेकअप कर रहे हो, लिप्स मेकअप कर रहे हो, तो टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और आज का जो मेकअप लुक है वो सिंपल अनारकली ड्रेस में की हूँ मैं, ब्लैक अनारकली है और उसका जो दुपट्टा है वो कलरफुल है, येलो और पर्पल एंड रेड का कम्बिनेशन है, जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे मैं दिखा दूँगी इस ड्रेस का पूरा लुक, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इतना ह्यूमिडिटी में ब्लैक ड्रेस कैरी करना और मेकअप करना सच में मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था उस दिन, लेकिन हो गया। चलो जल्दी से शुरू करते हैं आज का मेकअप लुक। पहले तो हम CTM से शुरू करेंगे, क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये स्टेप को आपको थोड़ा थोड़ा गैप करके ही अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे एडिटिंग करके वो सारे जो गैप था ना मैं काट दी हूँ, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा गैप मेंटेन करना चाहिए, ताकि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो अच्छे से पेनिट्रेट हो पाए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे NYBA का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। ओपन पोर्स का जिन लोगों का प्रॉब्लम है, ये NYBA का जो प्राइमर है उतना अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, लेकिन हाँ, अगर मेरी तरह स्किन है कम ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है एंड जस्ट फ्लोलेस बेस के लिए हमें प्राइमर चाहिए, तो NYBA परफेक्ट है। उसके बाद SKU का फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, ये लो टू मीडियम कवरेज है, रनी कंसिस्टेंसी में है एंड इतना अच्छा से, मतलब जो होता है ना हाई कवरेज तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आपको SPU कभी भी नहीं लेना चाहिए। उसके बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे, हाईलाइट करेंगे हमारे फेस को टी जोन एरिया एंड अंडर आई एरिया, आईलिड में। डार्क सर्कल्स है तो इनविजिबल हो जाएगा, और अगर आपका आकनी का प्रॉब्लम है, एक्टिव पिंपल है, स्पॉट्स है, तो आप कलर करेक्टर के साथ इसको इनविजिबल कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंटूर कर रही हूँ अपने फेस को एंड ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश हमेशा मैं कश्मीरी ब्लश अप्लाई करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट करता है। एंड नोज़ एरिया को अच्छे से ब्लश अप्लाई कीजिएगा, ताकि क्यूट लगे आप। उसके बाद मैं एंटायर फेस को लूज़ पाउडर की हेल्प से सेट करते रही हूँ। इतना ह्यूमिडिटी है, अगर लूज़ पाउडर की हेल्प से सेट नहीं करोगे आप तो जो स्वेटिंग होगा वो पैची लगेगा, किकी हो जाएगा, इसीलिए अच्छे से लूज़ पाउडर की हेल्प से सेट कर लीजिएगा। लिप्स में अच्छे से लिप बाम अप्लाई कीजिएगा, ताकि जब आप लिपस्टिक अप्लाई करो तो आपके लिप्स हाइड्रेट हो जाए तब तक। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईलिड में ऑरेंज आई शैडो अप्लाई कर रही हूँ ट्रांजेक्शन शेड के जगह में। मुझे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, आप मुझे बताना कि आज के एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कैसा लगा। हमेशा ट्रांजेक्शन शेड यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑरेंज शेड ट्रांजेक्शन शेड के जगह में एंड फ्लॉपी ब्रश के हेल्प से सर्कुलर मोशन में अच्छे से ब्लेंड करते रही हूँ। ओके, उसको ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर मैं आउटर कॉर्नर एंड क्रीज लाइन में अप्लाई करूँगी चॉकलेट ब्राउन शेड। ओके, चॉकलेट ब्राउन से जो हमारा होता है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर तो नहीं होता है, लेकिन लाइट ब्लैक बोलेंगे तो थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का लगता है नहीं। तो मैं यहाँ पे चॉकलेट ब्राउन शेड लेके आउटर कॉर्नर एंड क्रीज लाइन में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसको ब्लेंड करते वक्त सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा, सर्कुलर मोशन में अप्लाई कीजिएगा आउटर कॉर्नर में एंड क्रीज लाइन की तरफ ब्रश को मूव कीजिएगा हल्के हाथों से एंड ऑरेंज कलर के साथ आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि हार्श लाइन इनविजिबल हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक आई शैडो लेके जस्ट आउटर कॉर्नर में ही ब्लेंड कर रही हूँ, क्रीज लाइन में नहीं, बस आउटर कॉर्नर में ही सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर दे रही हूँ, ताकि आई में थोड़ा डेप्थ आ जाए। ओके, उसके बाद शिमर शेड अप्लाई कर रही हूँ येलो कलर का।
फिंगर टिप्स के हेल्प से, अगर आपके पास ब्रश के हेल्प से आप कंफर्टेबल हो तो ब्रश के हेल्प से भी अप्लाई कीजिएगा, लेकिन मैं फिंगर टिप्स के हेल्प से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं फिंगर टिप्स के हेल्प से येलो सिमर शेड अप्लाई करने के बाद हार्ट लाइन को इनविजिबल कर दे रही हूँ एक फ्लॉपी ब्रश लेके। इनर कॉर्नर में थोड़ा सा मैं येलो चंक्स अप्लाई कर रही हूँ, आप जल सिमर में येलो चंक्स अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर में, पूरे एंटायर आईलिड में नहीं, जस्ट इनर कॉर्नर में थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। विंग लाइनिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप सबको पता है, जैसे आपको पसंद हो वैसे ही लाइनर अप्लाई कर लीजिएगा। एंड लोअर लैस लाइन में, वाटर लाइन में मैं यहाँ पे पर्पल कलर का काजल अप्लाई कर रही हूँ, एंड पर्पल कलर के आई शेडो के साथ ही स्मज आउट कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे आउटफिट में येलो भी है और पर्पल भी है, तो मैं थोड़ा सा यूनिक टचअप देना चाहती थी आई लुक को, इसीलिए मैं पर्पल वाटर लाइन में पर्पल काजल अप्लाई की हूँ, ठीक है, काजल पेंसिल। उसके बाद थोड़ा सा ब्रोंजर अप्लाई कर रही हूँ एंटायर मेरे फेस को फीचर कर देने के लिए। पाउडर ब्रश अप्लाई कर रही हूँ जैसे प्रोफेशनल करते हैं, पहले तो बेस क्रिएट करते हैं क्रीम ब्लश या फिर चिक टिन से, उसके बाद थोड़ा सा पाउडर ब्लश अप्लाई करते हैं, वैसे ही कर रही हूँ अपनी नोज एरिया, चिक एंड चिन में। उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, हाइलाइटर सब लड़कियों की बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता है, तो मैं अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि बीच में मुझे हाइलाइटर अप्लाई करना नहीं आता था, सच बोलूँ तो मुझे कंटूर करना नहीं आता था, मुझे ब्लश अप्लाई करना नहीं आता था, मुझे आईब्रो लगाना नहीं आता था, लेकिन सब धीरे धीरे हो गया, आप लोगों का भी हो जाएगा। जब हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे हमारे चिकबोन, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, अपर लिप्स एंड चिन एरिया में अच्छे से अप्लाई करेंगे। इनर कॉर्नर ऑफ द आई एंड ब्राउ बोन्स को कभी भी स्किप मत कीजिएगा, एक अच्छा टचअप देने के लिए, कॉम्प्लीमेंटरी लुक लाने के लिए, तो ये दोनों जगह को हमेशा बिगनर्स भूल जाते हैं, मैं भी बहुत टाइम भूल जाती थी, लेकिन इसलिए मैं हमेशा आपको याद दिला देती हूँ कि आप ये स्टेप कभी भी स्किप मत कीजिए। उसके बाद मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ लोअर लैश लाइन एंड अपर लैश लाइन में, मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ NY बे का मेगा मोवी शेड है ये, जो बुलेट लिपस्टिक है, मैं शॉर्ट्स में ऑलरेडी कल से अपलोड कर दी हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये रहा फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ वीडियो पसंद आएगा देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग ना मेरी जान, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। तब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बहुत सारा एंजॉय कीजिएगा अपनी लाइफ को, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलता है, पता नहीं दोबारा कब मिलेगा नहीं मिलेगा, बिंदास एंजॉय करना एंड खुद का ख्याल रखना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।